वेलकम बैक मेरा यूट्यूब चैनल परमान राजवाड़े पर्सनल ब्लॉग्स में। मैं आप ऐसे कहानी मैं बताऊंगा, स्टोरी बताऊंगा जो कि आप 2 मिनट की होगा, लेकिन उस स्टोरी में बिल्कुल आप लर्निंग प्रोसेस मैंने सीख सकते हैं बहुत कुछ दोस्तों। तो आप जैसे थॉट करते हैं, आप जैसे नजरिया रहता है, आपका विचार रहता है, वैसा हमारा दिमाग और हमारा शरीर हो जाता है एक प्रकृति का एक पर्दा। तो बहुत सारा पढ़ने या सुनने आप देखते ही होंगे। तो एक मैं ऐसे गजब यूं कहूँ कि इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा एक कहानी। अमेरिका की बात है, अमेरिका देश की बात है। एक स्टोरी मैं बताना चाहूंगा कि वहां बहुत खूंखार एक अपराधी था। अपराधी एक बार घर अपराध करके गया जज के सामने, और जज उनका प्रकरण सुनने के बाद उनको जज अंतिम फाइनल डिसीजन आया कि उसको मौत का सजा दिया जाए। लेकिन मौत का सजा देने में हैंग या लटकाने का प्रावधान नहीं था, उसको सजा एक आसान दिया। और अपराधी भी सोच करके बहुत ही खुश हुआ कि क्यों मेरे को फांसी नहीं दिया जा रहा है, जहर नहीं दिया जा रहा है, और वैसे सजा दिया जा रहा है कि उसको सिर्फ सांप से कटवाया जाएगा, उसको जहर नहीं दिया जाएगा, उसको सांप से कटवाया जाएगा, जहरीला वाला सांप से कटवाया जाएगा, और उसको मौत दिया जाएगा। ऐसे सजा लिख करके राष्ट्रपति दे दिया। इसके बाद एक हफ्ता का टाइम था उनके पास। जिस दिन तय हुआ था, जिस टाइम पर तय हुआ था, उस दिन कालकोठरी यानी जेल में था, उसी टाइम वक्त आया तो उसको पहले से बता दिया, उसका आंख बंद कर लिया, पहले से बता दिया गया था, उसको आंख बंद कर दिया गया था पूरा किसी भी तरीके से रूम में, और उसको बता दिया कि आज उसका टाइम आ गया है, और जहरीला उसको आंख को बंद कर दिया है, नहीं दिख रहा है। इसके बाद उसको बताया गया कि आपको जहरीला सांप से कटाया जा रहा है, आप इसके बाद जहर से आप पूरा शरीर भिन्न, आपके शरीर में उसका बीक जो रहता है, पॉइजन रहता है, पूरा शरीर में संचार हो जाएगा, इसके बाद आप मृत घोषित कर दिए जाओगे, उसको बताया गया, सुनाया गया। इसके बाद वो डर गया, इसके बाद आंख बंधा था, जहरीला सांप उसके सामने बताया गया बार बार। इसके बाद उसको बाद में उसको टाइम बताया गया कि ये टाइम है, अब आप उसको चबवा रहे हैं सांप सर्प को, इसके बाद डसवा रहे हैं, इसके बाद उसको सुई से चुभाया गया, प्रैक्टिकल के तौर पर सुई से चुभाया गया, सुई से उसको सांप से नहीं चुभाया गया, सुई से चुभाया गया 5-10 बार, उसके बाद हल्का हल्का ब्लेड आ गया, इसके बाद उसको छोड़ दिया गया। कुछ मिनटों के बाद, आधा घंटा के बाद, या कुछ लम्हों के बाद, या एक आध घंटा के बाद, या 2-3 घंटा के बाद ऑटोमेटिक उस इंसान मृत हो गया, और शरीर ऑटोमेटिक काला पड़ गया माय डियर फ्रेंड, जबकि उसको जहरीला सांप से सर्प से डसाया नहीं गया था, सिर्फ नुकीले चीज से उसको चुभाया गया था, देखना चाहते थे पर्टिकल, और वास्तव में वो मृत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो ऐसा महसूस होता है माय डियर फ्रेंड, ये सच्चाई कि आप जैसे सोचते हैं वैसा हो जाता है। आप अगर बड़ा सोचते हैं तो बड़ा हो जाओगे, आप छोटा सोचते हो तो छोटा सोच जाओगे, सकारात्मक अगर सोचते हो तो सकारात्मक हो जाओगे, अगर नकारात्मक आप सोचोगे तो नकारात्मक हो जाओगे। जो इंसान जैसा सोचता है वो हो जाता है, ये समझ लो हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क एक सोच का प्रोसेस है, एक फैक्ट्री है सोच का। आप जैसे सोचोगे, एक कुदरत ने, एक नियामत ने, एक प्रकृति ने हमको एक गिफ्टेड दिया है हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, जो कि इतना बेहतरीन, इतना अनमोल, अब इतना बहुमूल्य, अब इतना यूनिक हमको फैक्ट्री यानी कि बहुमूल्य चीज दिया है, कि इसके बदौलत हमारे विचार, हमारे थॉट, अब हमारे विचार अच्छा सोच करके हम कहां से कहां हो सकते हैं। कोई भी इंसान गरीब चाहे अमीर नहीं होता है, कोई भी इंसान बिगड़ता नहीं है, ना कोई भी इंसान बनता नहीं, सिर्फ अगर बनता है, बिगड़ता है या कुछ भी होता है, उस प्रक्रिया में सिर्फ थॉट और विचार का उदाहरण होता है, जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। मैं मानता हूँ सभी सक्सेसफुल मानते हैं, सभी होते हैं, तो आप हमेशा सकारात्मक सोचते रहिए। सोच वो बलिदान है कि आप अच्छा सोच लेते हैं, कितना भी नेगेटिव हो, अगर आपका सोच उस तरीके से, यूं कहूं कि कितना भी अंधेरा हो, कितना भी डार्क लाइट हो, डार्क हो, अंधेरा हो, लेकिन उस अंधेरा का क्या औकात जो कि सूर्य को अंधेरा कर दे, या छोटा सा बल्ब को, या छोटा सा दीपक को अंधेरा का क्या औकात जो कि उसको अंधेरा में तब्दील कर दे। इसीलिए कहते हैं छोटा सा चिंगारी, छोटा सा दीपक कितना भी विकट, कितना भी गहरा अंधेरा हो, उसको उजाला में परिवर्तित कर देता है। आओ उजाला कह सकते हैं हमारे दिव्य ज्ञान, हमारे ज्ञान, दुनिया में ज्ञान अगर है आपके पास
तो आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी, आपका समाज में, आपका थॉट, आप जो भी करियर बनाना चाहते हैं बिल्कुल संवर कर आएगा और बेहतरीन तरीके से। और जो प्रोसेस होता है पैसेंस यानी धैर्य रखना ही पड़ता है, अगर धैर्य से पहले अगर मिल जाता है तो उसका बहुमूल्य नहीं होता। प्रकृति में हर चीज सिस्टम और सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन में होता है, इसीलिए हमको डिसिप्लिन और सिस्टम में रहना चाहिए। हमेशा मेरे चैनल पे अच्छा अच्छा स्टोरी प्रतिदिन मैं अपलोड कर रहा हूँ। परमान राजवाड़े पर्सनल ब्लॉग्स में भी जाइए, लाइक और सब्सक्राइब। आप लोग का ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोग का आशीर्वाद। और किस तरीके के वीडियो कैसे लगा, स्टोरी से क्या आपको सीख मिला कमेंट करके बताइएगा, और शेयर करना, लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।